पर आप कुछ भी ऑर्डर करें 5 मिनट के अंदर आपके पास आपका ऑर्डर आ जाता है। लोग दाल फ्राई जरूर लेते हमारे। काफी गाड़ी गाड़ी रबड़ी लग रही है, कुल गाड़ी रबड़ी है, शायद आपकी जलेबी टूट सकती है इसको उठाने में। ये लड़का मेरा पैदा हुआ और मैं रेडी लगाया। इसका स्वाद ना इनकम्पेरेबल है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फूडी सांड पे। आज हम आ चुके फरीदाबाद में। फरीदाबाद में भाई वैसे तो खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं अगर 10 बार भी आ जाऊँ ना फरीदाबाद तो भी शायद मुश्किल है वो सारी चीज़ें कवर करना। बट धीरे धीरे हम आपको कोशिश करते हैं कि बढ़िया बढ़िया कंटेंट दिखा सकें, सो दैट आप कभी भी उस जगह विजिट करें तो आपका वहाँ जाना और वहाँ पर खाना वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम आए हैं फरीदाबाद NIT 2 में। मैं आपको 2-3 जगह दिखाऊँगा, उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल ऐसी जगह दिखाऊँगा जहाँ पर आपको बेस्ट डोसा छोले मिलेंगे। डोसा छोले शायद आपने फरीदाबाद के बाहर सुना भी ना हो या बहुत लोग जानते भी ना हो कि डोसा छोले होते क्या हैं, उसका स्वाद आपको बताएंगे। एक ऐसी रेडी जहाँ पे जलेबी और रबड़ी का रेट 400-400 रुपए किलो है। दुकानों में भी ये रेट थोड़ा सा मुश्किल ही मिलता है, पर यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और साथ में मैं आपको दिखाऊँगा एक ऐसा ढाबा जहाँ पर अगर आपने 50 जनों का खाना ऑर्डर कर लिया ना फिर भी वो 2 मिनट के अंदर आपको सर्व कर देगा। ऐसा खाना है वो, ऐसा रेस्टोरेंट है वो। तो चलिए ट्राई करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सारी लोकेशन के एड्रेस आपको सब कुछ नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो गाइस हम आ चुके हैं सेक्टर 31 फरीदाबाद बंसल जी के पास। बंसल जी का सुपर फास्ट रनिंग ढाबा है। यहाँ पे हमने सुना है इनके बारे में कि यहाँ पर आप कुछ भी ऑर्डर करें 5 मिनट के अंदर आपके पास आपका ऑर्डर आ जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि ऑर्डर फास्ट है या नहीं है, और ऊपर से ऑर्डर जो हम दे रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। सो गाइस एक बार हमारी प्लेट देख लीजिए। मतलब बंसल जी ने कमाल कर दिया। किचन का तो खैर हमें सैर नहीं करवाई उन्होंने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारा जो खाना है उनकी मेकिंग नहीं रहती है, वो जल्दी जल्दी बनते रहते हैं और क्वान्टिटी बनते हैं। और इस बात का सबूत यह है कि मैंने ऑर्डर दिया सिर्फ 2 मिनट पहले, 2 मिनट के अंदर इनका पूरा ऑर्डर आ गया। तीनों सब्जियाँ, चाहे आप देखें हांडी पनीर, ये देखिए हाफ़ मैंने हांडी पनीर लगवाई है जिसका रेट है 120 रुपये। इधर आ गया मिक्स वेज, ये मुझे बहुत बढ़िया लग रही है देखने में। एक कस्टमर ने स्पेशल रिकमेंड करी कि मिक्स वेज ज़रूर लीजिएगा, और इनकी स्पेशल दाल मखनी नहीं है, दाल फ्राई है, जो इन्होंने बताया कि 95% लोग दाल फ्राई ज़रूर लेते हैं हमारी। 80-80 रुपये की है, 120 की है। और साथ में हमने लिया है इनका बटर नान। एक बटर नान ये है, ये पूरा एक बटर नान है, तो काफ़ी बड़ा नान है, और मुझे लग रहा है कि 2 जनों के लिए भी एक नान इनफ रह सकता है। एक हमने मिस्सी रोटी ली है और एक लिया हमने लच्छा पराठा। तो चलिए भाई ट्राई करते हैं और ज़रा आपको स्वाद बताते हैं चक्कर। शुरुआत इनकी दाल से ही करते हैं, स्पेशल दाल फ्राई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि घर का खाना है ये दोनों चीज़ें। तो बिल्कुल ही घर का स्वाद है, मतलब कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं, बहुत बढ़िया सिंपल स्वाद, कमाल का स्मूथ टेक्सचर, मज़ेदार। आइए ज़रा बाकी भी ट्राई करें सब्ज़ियाँ। इनका हांडी पनीर मुझे यहाँ समझ नहीं आएगा कि इनका शाही पनीर और हांडी पनीर में क्या डिफरेंस रहेगा, क्योंकि दोनों मुझे सिमिलर लग रही थी। बट टेस्ट में कहूँगा कि दाल का मुझे थोड़ा सा और बेटर लगा। पनीर इज ओके ओके, बुरा नहीं है, बट वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी, इसकी ग्रेवी में इतना मज़ा नहीं आ रहा। अब आते हैं इनके मिक्स वेज पे। बहुत बढ़िया सब्ज़ियाँ उन्होंने बहुत सारी डाली है, पनीर भी है इसमें, गोभी भी है, आलू, बीन्स, बॉइल्ड फ्रेश वेजिटेबल्स का स्वाद आ रहा है। तो भाई 2 जने के हिसाब से 400 रुपये का बिल आया हमारे यहाँ पे, जो कि मैं कहूँगा एक ढाबे के हिसाब से ठीक है आप, पर मैं कहूँगा 3 जने भी इसमें आराम से खा सकते हैं। दोस्तों सर्विसिंग इनकी सुपर फास्ट है, मैंने इतनी तेज़ सर्विसिंग किसी ढाबे या रेस्टोरेंट की नहीं देखी। टेस्ट वाइज में कहूँगा थोड़ा एवरेज लगा मुझे, दाल ठीक थी, घर जैसी लगी, उरद चने की दाल थी जो उनकी दाल फ्राई थी,
पनीर मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, मिक्स वेज क्योंकि बॉयल्ड सब्जियों का मज़ा आ रहा था ज़्यादा। अगर आपको मसालेदार मिक्स वेज चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, यहाँ आपको बॉयल्ड सब्ज़ी का कम मसाले वाला मिक्स वेज मिलेगा। तो अब आप थोड़ा सा ज़ूम कर लीजिए कि कैसा टेस्ट आपको यहाँ मिलने वाला है। बाकी एवरेज फूड है, मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहुत दूर से यहाँ चल के आए। हाँ, अगर आपको जल्दी खाना खाना है, फरीदाबाद के आसपास घूम रहे हैं, तो एक दफ़ा आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं NIT 2 में, एक ऐसी स्पेशल जगह जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन यार इस वीडियो में इसको ना रखे ना तो फिर मैं कहूँगा कि फरीदाबाद का टूर थोड़ा इनकम्प्लीट रहेगा। हम आ चुके सुरेंद्र जी के पास इनके डोसा छोले खाने के लिए। एक्चुअली अभी ना मैंने ठंडा पानी पी लिया था तो गले में थोड़ी खराश हो रही थी, तो मुझे याद आया मैं NIT 2 के आसपास ही हूँ। यहाँ पर गर्मा गर्म छोले का पानी मिलता है जो गला बिल्कुल साफ कर देता है। तो मैंने सोचा एक बार डिटेल में, जिन उस टाइम पे मैंने वीडियो बनाई थी करीब 1-1.5 साल पहले, आप में से कई लोग हैं जो हमारी फैमिली में नए जुड़े हैं तो शायद उन्होंने वो वीडियो ना देखी हो, इस वजह से मैं दोबारा हूँ यहाँ पे और डिटेल में आपको पानी दिखाऊंगा छोले का और साथ में इनका डोसा छोले की डिश भी दिखाऊंगा। फरीदाबाद के बाहर ये डिश आपको नहीं मिलने वाली। आइए अंदर चलते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं आपको सुरेंद्र जी के डोसा छोले बनते हुए दिखाना चाहता हूँ। डोसा छोले कुछ अलग ही चीज़ है, आप कहोगे वैसे इसका नाम डोसा क्यों है, कुछ है कारण है इसका? डोसा ही बोलते हैं, डोसा ही बोलते हैं फरीदाबाद में। इसमें आलू का पेस्ट लगाते हो आप? सिंगल ब्रेड, छोटी ब्रेड के ऊपर ये आलू लगेगा और इसे ही हम यहाँ डोसा बोलते हैं फरीदाबाद में। और ये इतनी हिट आइटम है दोस्तों फरीदाबाद में, खासकर सुरेंद्र जी कहते हैं कि सुरेंद्र जी ने ही शुरुआत करी थी डोसा छोले की। सर ये डोसा छोले के बारे में थोड़ा बताइएगा, ये डिश कैसी है, डोसा मतलब नाम कैसे पड़ा है इसका? इसका ये वो जो टिक्की बनती है ना, हाँ जी, वैसे है, किसी कस्टमर ने ब्रेड पे आलू लगा के अच्छा फ्राई किया तबे बन रहा है, अच्छा तो नाम इसने डोसा रख दिया। इसका डोसा तो चल रहा है, बट रखा भी कस्टमर नहीं है। अच्छा, ये आपने नहीं रखा है? नहीं नहीं, कस्टमर रखा। तो ये बनाते आप ही थे? पर हाँ बनाते हम ही थे, मतलब बनाते हम टिक्की थे। अच्छा, तो ऐसे की वो दिए थे ब्रेड के साथ टिक्की दे दिया। जमाने में क्या होता है, 1970 में आसपास इतनी भीड़ होती थी, शाम तक रुकती थी तो कस्टमर खुद बना लगे थे, हेल्प करते थे। आज का हेल्प तो कोई करता नहीं किसी की, वो चीज। अरे क्या बात है। और ये है छोले भाई। सर छोले के बारे में बताइएगा कि प्याज लहसुन का होता प्रयोग इसमें? हाँ, इसमें लहसुन तो डलता, प्याज नहीं डलता, ठीक है, लहसुन तो डलता ही है। और क्या क्या मसाले में, क्या मसाले क्या जो हमारे अपने खुद के हैं मसाले? हाँ जी, जैसे जो आपने शुरुआत करी थी, दुकान कितनी पुरानी है? सन 1961 से। तो सेम रेसिपी है सारी? सब ये हो गए, सूखे छोले होते हैं जो खत्म हो चुके हैं, सूखे छोले, कचालू, शकरकंदी, घी का अचार जो मेन है, छोले का पानी, डोसा छोले, डोसा पीस जी, सिंपल ब्रेड। अच्छा, जो स्वाद मतलब हमें एक सेट वाले मिलेगा, अभी खा के देखेंगे आपको देखेगा तब चलेगा पता हाँ कुछ चीज। बिल्कुल सर। और दोस्तों यहाँ पे आपको कुल्हड़ में के अंदर वो भी मिलता है छोले का पानी। कुल्हड़ में तो लोग अपने लगे प्लेटों में भी डेली आते हो? गले में हमारे लगवा है, वर्तरी भी ठीक हो गया। अच्छा, क्या बात है अंकल जी, ताकत वाली मेन चीज है तरी। तो भाई अंकल जी कह रहे हैं कि तरी से उनके गले में काफ़ी राहत मिले। कितनी उम्र कितनी है आपकी? 64। मतलब फिर तो यार, मतलब मैं किसी बच्चे को बोलूँ तो उसको तो और जरूरी है पीना, है ना, पेट साफ रहेगा और ताकत रहेगी। मैं ये मंचूरियन वे खा गए तब बीमारी है, मुझे इसमें जन्म दिया है जो आज से 500 साल पहले घोड़ों ने खाए चने और हिम्मत है। सही बात। तो ये देखिए भाई, दोनों साइड लगती है जो आलू लगता है, सरसों का तेल यूज होता है यहाँ पे, इसमें भी छोले में भी। हाँ जी, चटनी मीठी बनती है ना गुड़ की, हाँ हाँ, उसमें झोंका लगता है वो भी सरसों के तेल में। अच्छा, जो सूखे छोले बिकते हैं वो भी सरसों के तेल में। क्या बात है, कोई भी चीज लगा सरसों के तेल में सर। मतलब सर इतनी की फिर तो आप सही में बहुत कमाल की चीज खिला रहे हो। ये मतलब ऐसी चीज है कि जो सरसों तेल मैंने शुरू किया है, बिल्कुल पहले चलता था पापा घी यूज करते थे, अच्छा लोगों को डाल डालता था पहले टाइम में, वो यूज करते थे। अच्छा, मैंने खड़ा ये किया तो तेल ही शुरू कर दिया। ठीक है, 15-16 साल मुझे भी हो गए तेल यूज करते हुए जी। तो एक प्लेट में सिंगल पीस आ गया डोसा और उसके बाद चने और ये चटनी रहती है खट्टी मीठी चटनी और साथ में प्याज तो थोड़ा सा। और छोले के पानी में ऐसा क्या डालते हैं जो गला इतना साफ हो जाता है लोगों का? इसमें ये ऐसी चीज है जो पानी पी ले ना, हाँ? सबसे पहले तो सर नाक खोल देगा ये। अच्छा, लोग शराब रात को शराब पी लेते हैं, हाँ। ये जगह ऐसी बंद होती है कभी, हाँ। नोट ये चीज बंद होती है, हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे पहले ये खोल देगा। अच्छा, ये मस्तक खुल जाए ना, हाँ। तो सब खुल जाता है, हाँ। ये खुल गया तो ये गला हो गया, गले खुल गया, छाती खुली, हाँ। सब क्लियर है। सही बात, ये होता है इसलिए। तो पर डालते क्या हो इसमें? इसमें कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ रात को जो भिगोते हैं ना छोले रात को, इसका जो पानी निकलता है तो जो पानी जितना भी निकले हम वही पानी कस्टमर को गर्म करके मसाला डाल के ना और देते हैं कस्टमर को गर्म गर्म। इससे क्या होगी, जितना दार होती है वो गर्म होती है,
बिल्कुल खांसी जुकाम बुखार पेट में कमजोरी हो सब फ्रेश पेट। मैं वही देख रहा हूँ कि 65 साल के अंकल इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी, मतलब कि इस उम्र में तो कुछ भी अगर नॉर्मल खाया जाए तो डाइजेशन मुश्किल हो जाता है, पर वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। एक खासियत ये है कि जो हमारा मसाले है ना उसमें ना कम से कम नहीं तो 42 साइड में है। अच्छा। हमें गर्म मसाले में अच्छा। उस गर्म मसाले में यदि हम एक ऐसी चीज डालते हैं कि बंदा 2 प्लेट भी खा लेगा ना उसको गैस नहीं बनेगी। अच्छा, सबसे बड़ी खासियत है। क्या बात है। और ये ऊपर से और छोले की तरी डालते हैं हल्का चटपटा करने के लिए। हाँ जी। तो भाई एक हमने डोसा छोले की प्लेट ले ली जो कि 35 रुपये की है, साथ हमने 10 रुपये का अलग से सूप लिया। आप चाहें तो सूप आपके लिए फ्री हो सकता है अगर आप प्लेट में ही पी रहे हैं, पर अगर आप कुल्हड़ में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नींबू वगैरह डाल के दे रहे हैं, तो 10 रुपये मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। चलिए ज़रा ट्राई करते हो स्पेशल डोसा छोले। ऐसी डिश अगर आप फरीदाबाद नहीं आए ना तो मुश्किल है कि आपने ट्राई करी हो। इसका स्वाद ना इनकम्पेरेबल है, आप कह ही नहीं सकते कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिससे रिलेट कर रहा है। बिल्कुल ही डिफरेंट ब्रेड जो है, साइड का जो ब्रेड का पीस है तो क्रिस्पी लगेगा, बीच में से सॉफ्ट, खट्टी मीठी चटनी का मज़ा और छोले के मसाले फील होने वाले। और ये ऐसी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली ठंड में इसका मज़ा ज़्यादा है, गर्मी में बिल्कुल इन्जॉय करेगा लेकिन ठंड में ना ये आपका गला खोल देगा बिल्कुल। इनका स्पेशल छोले का मसाला गर्मा गर्म है। बहुत ज़बरदस्त। मैं कहूँगा कि जो गर्म मतलब ठंड में हम चाय का यूज़ करते हैं उसके अंदर मसाला डाल के, उससे बेटर चीज़ है छोले का पानी, सुपर हेल्दी। और कुल्हड़ में इसको पीने का मज़ा कुछ अलग ही आ रहा है, काले मिर्च का बहुत तगड़ा फ्लेवर आ रहा है इसमें। सुपर। जब भी आते हैं फरीदाबाद तो सुरेंद्र डोसा छोले के पास आएं और ये दोनों चीज़ें ट्राई करें और आप रिग्रेट नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और दोस्तों अब मैं आपको ला चुका हूँ फरीदाबाद की बेस्ट जलेबी रबड़ी खिलाने के लिए राजेश जी के पास। भाई अभी हमें NIT 2 में यहाँ पे पिता और बेटे की जोड़ी धूम मचा रही है सही में, रबड़ी जलेबी बेच रहे हैं। और कितने सालों से बेच रहे हो अंकल? 25 साल हो गए। आप दोनों मतलब पिता बेटा दोनों मिलकर काम करते हो? ये लड़का मेरा पैदा हुआ और मैं रेड़ी लगाया। अच्छा। ये लड़का पैदा हुआ मैं उसी साल रेड़ी ये लगाया। अच्छा। उससे पहले और रेड़ी रसगुल्ले की लगाता था जो है। चलिए ठीक है। और क्या क्या दे रहे हैं आप यहाँ पे? अब रबड़ी जलेबी बस ये दो ही आइटम है, 25 साल पहले भी दो ही आइटम थी। ठीक है। और रबड़ी जो है यहाँ पे 400 रुपये किलो है, मतलब अंकल मैंने रेड़ी में ना 400 रुपये किलो बिकती नहीं देखी रबड़ी, ऐसा क्या खास है आपकी रबड़ी में? रबड़ी मेरी ओरिजिनल होती है बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल पेवर होती है, मैं व्रत में लिख रखा हूँ व्रत में खाओ। हाँ। व्रत में खिलाता हूँ, बिल्कुल पेवर चीज़ होती है, मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। प्योर दूध की रबड़ी रहती है? प्योर दूध की। कुछ भी उसमें मिलावट वगैरह कुछ नहीं होता? 1 किलो दूध में 50 ग्राम चीनी होती है। अच्छा। और कुछ भी नहीं होता है। तो भाई ये स्पेशल बात है, अब देखते हैं खाने में पता चलेगा, बोलने में तो हमने बहुत बातें सुनी है लेकिन टेस्ट करेंगे तब बता पाएंगे कि कैसा उसका स्वाद है। तो भाई राजेश जी जलेबी बनाना चालू कर रहे हैं। अच्छा आप तभी पूछ के बनाते हो, हमेशा रखते नहीं बना कर? जितना कस्टमर चाहेगा उतनी बनाओगे? फिर बनाएंगे। हाँ ठीक है। वरना जितना मांगेगा उतना ही बनाएंगे। हाँ। और बिल्कुल गर्म गर्म बना के देते, बची हुई तो देते ही नहीं है ये। अच्छा। इतनी जलेबी पड़ी है ये देंगे नहीं किसी को। अच्छा। कोई ऐसा बंदा आ गया कि जो हमने दूध में डाल के खानी है तब उसको देंगे जो है, अपने अपने तरफ से ये नहीं कि आपके एक पाव बना रहे हैं उसमें वो डाल दें। हाँ। ऐसा काम नहीं करते हम। तो राजेश जी के पास आपको मिलेंगी देसी घी की जलेबी मिलेगी और वनस्पति घी की भी मिलेगी, 50 रुपये और 100 रुपये ये फ़र्क है दोनों में। अभी देसी घी की नहीं बना रहे अभी आप? अभी लड़का आएगा देसी घी मंगाएंगे। गर्मा गर्म जलेबी अभी चाशनी के अंदर और साथ में यहाँ पर रबड़ी भी मिलने वाली है यार। और रबड़ी और जलेबी का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज से 100 साल पहले की भी बात आप कर लें तो ये इतना हिट कॉम्बिनेशन था। अभी आपने बताया था, मैंने पूछा था आपसे उसके बारे में रबड़ी के बारे में, आपने कहा कि शुद्ध रबड़ी एक नंबर की रहती है यहाँ पे। मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। अगर मैं कहीं से और से ले आऊँगा तो ऐसी रबड़ी नहीं मिलेगी, कोई भी नहीं देगा, क्योंकि ये 400 रुपये करीब तो मुझे खुद पड़ती है अपने घर। अच्छा। और मैं 400 बेच रहा हूँ।
प्लेट में डालू ना? हाँ डाल दीजिए, खाना है हमें, मतलब जैसा देते हैं प्लेट में डाल दीजिए। देखो जिलेबी तो कोई 20 की भी ले ले तो दे देंगे। अच्छा, लेकिन रबड़ी जो है 50 रुपए से नीचे नहीं। 50 से नीचे नहीं, ठीक। और ये रही रबड़ी, बहुत डर लगता है। अच्छा, नंबर में यही है जिलेबी वाले का। अच्छा, काफ़ी गाड़ी गाड़ी रबड़ी लग रही है। से काम का है बिल्कुल कोई? हाँ हाँ, NIT 2 में यही एक फेमस है बस। अच्छा, तो भाई बिल्कुल ही पतली और करारी सी जलेबी दिख रही है मुझे, अगर इसका स्वाद लिया जाए पहले बिना रबड़ी के साथ। बहुत करारी, बहुत ही पतली, स्वाद है भाई कमाल। अब आते हैं मेन चीज़ पे। हाँ बोल भाई, ज़रूर टेस्ट करिए, लग रहा है क्वालिटी लग रही है खाने में, खासकर की रबड़ी की मैं बात करूँ, बिल्कुल गाढ़ी रबड़ी है कि शायद आपकी जलेबी टूट सकती है इसको उठाने में। दानेदार रबड़ी, राजेश जी कमाल कर रहे हैं यहाँ पे। आप ज़रूर NIT फरीदाबाद 2 में आइए एंड यू विल लव इट दोस्तों, सच में वन ऑफ द बेस्ट।